मध्य प्रदेश कोरोना की रफ्तार को देखते हुए धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन अनलॉक होते ही लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर बड़वानी जिले के राजपुर सब्जी मंडी में देखने को मिली, जहां हजारों की तादाद में लोग सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं। बड़वानी जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार धीमी होने पर जिला प्रशासन ने अनलॉक घोषित कर दिया, लेकिन अनलॉक होते ही आम जनता सहित दुकानदार कोरोना गाइडलाइन को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा राजपुर की कोर्ट परिसर के पास अल सुबह लगने वाली सब्जी मंडी में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने पहुंच गए। इस दौरान ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, बल्कि कई लोग बिना मास्क लगाए अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए। ऐसे में एक भी कोरोना संक्रमित भीड़ शामिल होता है तो परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि SDOP PL बघेल ने चालानी कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। मजदूरों की मंडी नगर पंचायत के सामने लगती है। अभी इसके संबंध में CMO साहब और SDM साहब चर्चा करके इसको फिर से बाहर करवा देंगे। हाँ, पिकअप वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और वो बाहर ही लगेगी, अंदर नहीं लगेगी। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और SDM साहब से चर्चा करके बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और इसको जो लेबर एक मंडी है इकट्ठी होती है सब सुबह 5 बजे, उसको हम इकट्ठा नहीं होने देंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल शासन प्रशासन ने लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक घोषित कर दिया है। ऐसे में दुकानदारों के साथ साथ अब आम जनता को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी, तभी हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। राजपुर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।